इंग्लिश कन्वर्सेशन जो होता है, इंग्लिश कन्वर्सेशन में जितनी भी चीज़ें हम आपको लिखवा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, वो सारे के सारे पहली बात तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि उसे तुम याद करो, ठीक है ना। जो भी है, जैसे तुम्हें अगर चाहिए, तुम चाहते हो तो ऑफलाइन क्लास तो ले ही रहे हो, ऑनलाइन में जैसे यूट्यूब वाला जो वीडियो है उसे भी देख सकते हो अगर तुम्हारे घर पे फ़ोन अवेलेबल है तो, ठीक। क्योंकि जो चीज़ें मैं यहाँ पे लिखवा रहा हूँ, फ्रेजेज वगैरह या क्वेश्चन आंसर्स वगैरह, वो सारे के सारे वीडियो में भी मिलेंगी, यूट्यूब पर भी मिलेंगी, समझ रहे नहीं। कुछ दो चार पॉइंट्स कुछ ऐसे हैं जो हो सकता है उसमें ना मिले, वो आपको नई मतलब मिल सकती है। चैनल का नाम अभी आपको बताएंगे, और उसके बाद में हमें क्या करना है, उन्हें प्रॉपर तरीके से लर्न करना है, मतलब याद करना है, ठीक है ना। कुलदीप सेट प्रॉपरली, ये क्या नाम है इसका, अनुराग, सीधे बैठो। तो इसका मतलब ये हुआ कि अंग्रेजी बोलने की मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी कि गारंटी है अंग्रेजी बोलना सीख जाओगे। तुम गांव से हो इसलिए थोड़ी समस्याएं हो रही हैं, अगर शहरों से होते या इंग्लिश मीडियम में पढ़ने वाले बच्चे होते तो शायद थोड़ा और जल्दी हो जाता, समझ रहे हैं ना। लेकिन आप लोग जो हैं गाँव से हैं, और गांव में आप लोग कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, भोजपुरी, नॉट हिंदी, भोजपुरी अधिकतर बोलते हैं। और इस भोजपुरी को बोलने की वजह से ही इंग्लिश बोल पाना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, लेकिन पॉसिबल है, संभव है, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, समझ रहे हो ना। तो हमें क्या करना है, एक प्रॉमिस अपने आप से करना है, एक वादा करना है कि हमें ये करके दिखाना है किसी भी तरह से, ठीक है अनुराग, है ना अनुराग। अगर ये कर लोगे और पूरा मेहनत करोगे तो पक्का तुमको इंग्लिश बोलना आ सकता है, राइट आर्यन, राइट ना। तो चलिए कुछ क्वेश्चन मैं पूछूंगा, उसका आंसर दीजिए, कोशिश करिए, ठीक है। जनरल क्वेश्चन आंसर्स, ओके, ठीक है। चलो भैया अनुराग, अनुराग व्हाट इज योर नेम, स्पीक लाउडली, जोर से बोलो। अनुराग यादव, ओके। व्हाट इज योर फादर्स नेम, मिस्टर। हाँ, जब भी हम किसी फादर का नाम या फिर अपने से बड़ों का नाम बोलते हैं तो उसके पहले हमें क्या यूज़ करना है, मिस्टर, ठीक है ना। ओके, व्हाट इज योर मदर्स नेम, मिसेस। जब भी हम किसी बड़े औरत का, ओमेन का नाम बताते हैं, चाहे वो हमारी मदर हो चाहे कोई भी हो, तो उनके पहले हमें क्या लगाना है, मिसेस। और वो अगर शादीशुदा हैं तो, ठीक है, अगर शादीशुदा नहीं है, बड़ी हैं, तो हम मिस कह सकते हैं, ठीक है ना। तब मिसेस नहीं कहेंगे, मिसेस रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। ओके, व्हाट इज योर ग्रैंड फादर्स नेम, वेरी गुड। ओके, इन विच क्लास डू यू स्टडी आर्यन, ओके, नो रॉन्ग आंसर। कैसे बोलेंगे, सर आई स्टडी इन क्लास 11, 12, 10, जो भी है। तो एक बार फिर से बताओ, इन विच क्लास डू यू स्टडी, नो इंग्लिश कैसे होगा भाई, क्लास नेम बताना है, कौन से क्लास में हो तुम। वंस अगेन, एक बार फिर से, स्टडी, आई स्टडी इन 8th क्लास, राइट। व्हाट इज योर कॉलेज नेम, दिनेश। श्री राजा राम इंटर कॉलेज, तैयारी, ओके ओके। एंड सूरज, व्हाट डज योर फादर डू, व्हाट इज योर फादर, आर व्हाट डज योर फादर डू, सिंपल क्वेश्चन है, ओके। आदर्श, व्हाट डज योर फादर डू, करेक्ट आंसर। नाउ सूरज, व्हाट डज योर फादर डू, यस, आप करेक्ट आंसर आ गया है कि नहीं। व्हाट डज योर फादर डू अनुराग, स्पीक लाउडली, जोर से बोलो। रॉन्ग आंसर, व्हाट डज योर फादर डू, स्पीक लाउडली, डू फार्मिंग, मतलब इसका एक और आंसर दे सकते हैं कि माई फादर इज ए फार्मर, राइट ना, ये भी आंसर दे सकते हैं। ओके ओके, व्हाट इज योर एल्डर ब्रदर्स नेम, मिस्टर, स्पीक लाउडली, जोर से बोला करो यार, यस दिस इज द करेक्ट आंसर, ओके। एंड कुलदीप, व्हाट इज योर एल्डर सिस्टर्स नेम, मीना यादव, ओके। शादीशुदी हो चुकी है तब मिसेस लगाएंगे, शादी नहीं हुई है तो मिस लगा भी सकते हो और नहीं भी लगा सकते हो, ठीक है, ऑल राइट ना, ओके ऑल राइट। आर्यन, आर्यन वेयर आर यू फ्रॉम, आई एम फ्रॉम तरियारी, या आई एम फ्रॉम तरियारी,
एंड दिनेश वेयर डू यू बिलोंग फ्रॉम? सर आई बिलोंग फ्रॉम इंडिया। या सेम क्वेश्चन है, तरीका अलग है। जो क्वेश्चन उससे था वही सेम क्वेश्चन तुमसे है, केवल पूछने के तरीके अलग हैं। ओके तब आंसर बताओ। हाँ सूरज इज ए तरियारी, रॉन्ग आंसर है। वेयर डू यू बिलोंग फ्रॉम? आई बिलोंग फ्रॉम तरियारी, दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके गांव का नाम हो, शहर का नाम हो, जहाँ तुम रहते हो उसके हिसाब से हम कहेंगे क्या कर रहे हो तुम, तो इसके हिसाब से हम आंसर दे सकते हैं, ठीक है ना? ओके तो हमको क्या करना है, अभी प्रॉब्लम है, समस्याएं हुए हैं, मतलब कहीं ना कहीं हमें ज़रूरत है कि जितना भी क्वेश्चन आंसर तुम्हें लिखवाया गया है वो सारा का सारा तुम अच्छे ढंग से याद करो, ठीक है ना? और रिवाइज करो, उस पर खुद से दूसरे तरह का क्वेश्चन आंसर बनाओ, जैसे मैं बताता हूँ यहाँ पे ऑफलाइन में वैसे कोशिश करो, या वीडियो में भी उसी तरीके से मैं बताता हूँ कि ऐसे कोशिश करो, तुम्हारा सही हो सकता है, ठीक है? तो अभी बहुत कम समय से तुम लोग आ रहे हो, तो बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन फिर भी कुछ आ रहा है, जबकि ये जनरल क्वेश्चन आंसर है जो इंग्लिश मीडियम स्कूल के बच्चे बहुत ज़्यादा बोल लेते हैं इतनी सारी चीज़ें, ठीक है? तो तुम सभी लोग हिंदी मीडियम से हो, कुछ बच्चे एक आध में इंग्लिश मीडियम से हैं तो उनको अनुभव कम है इसलिए वो बोल नहीं पा रहे, तो कोशिश करना है कि तुम इसको और अच्छा प्रयास करो ताकि तुम्हारा अच्छा हो सके, ठीक है? ओके ना।